सुमन जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू मुझे यहीं पे देखिए बोलना है. ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस इंडिया के लिए. तो सबसे पहले ये बताइए कि कैसी रही आपकी ये मिस इंडिया की जर्नी? तो जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, क्योंकि मैं एक नॉन पेजेंट्री बैकग्राउंड से हूँ, तो काफ़ी नया था मेरे लिए सब कुछ. क्या करना है, कैसे करना है, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा था. हालांकि मैंने पिछले साल ही शुरू कर लिया था अपनी ट्रेनिंग इसके लिए, तो पूरा साल उसी में चला गया कि किस तरीके से मिस इंडिया में जाना है और किस तरीके से वहाँ पे जाके परफॉर्म करना है. तो जर्नी काफ़ी अच्छी रही है मेरी. पिछले साल मतलब लोग हैं कि बहुत सारे लोगों को जब हम इंटरव्यू करते हैं वो कहते हैं कि हम बचपन से ऐसे ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, तब आज हमारा ये सपना जाके पूरा. तो मतलब हमेशा माने कि आपने सिर्फ एक साल ही मिस इंडिया के लिए ट्रेनिंग की, दैट्स इट? हाँ, तो बचपन का कोई सपना नहीं था मेरा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इस बारे में. मुझे पता था कि मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स है, बट वो होता क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था. तो जब मानुषी छिल्लर क्राउन जीते थे, तब मैंने इसके बारे में रिसर्च की कि ये होता क्या है. तो मुझे पता चला इन्हें पैजेंट्स बोलते हैं, और इनमें किस तरीके से इनरोल करना है, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस तरीके से खुद के ऊपर काम करना होता है. तो इसके बारे में जब मैं रिसर्च कर रही थी, तब जाके मुझे लगा कि शायद मैं भी यहाँ पे एक ट्राई दे सकती हूँ. मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना चालू हो गया, और इसी तरीके से मैंने अपना पैशन डेवलप किया वहाँ पर, और फिर मैं मिस इंडिया के लिए एक साल की ट्रेनिंग लेके फिर आई. और आप मिस इंडिया ओके सुमन जी, जब से आपकी ये ट्रेनिंग लाइक मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में आप आई, और जब से ये पार्टिसिपेंट चल रहा था, आप तो आप जीत चुकी हैं मिस इंडिया. ट्रेनिंग के दौरान, कॉन्टेस्ट के दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे बीच में क्विट कर देना चाहिए, या फिर आप बीच में कभी नर्वस लगी, या फिर ऐसे कोई? हाँ, क्विट करने का ख्याल तो नहीं आया, पर काफ़ी ऐसे टाइम भी थे जब ऐसा लग रहा था कि नहीं हो रहा है, या कुछ नहीं होगा शायद, या कुछ तो गलत हो रहा है. ये मेरे को लगता है कि हम सारी 30 लड़कियों के दिमाग में एक ना एक बार तो आया ही होगा, क्योंकि होता है हमेशा, सारे हर दिन एक जैसा नहीं होता. कभी ना कभी हम लो फील करते हैं, कभी एक तो हम फैमिली से भी दूर है, और एक महीने से हम उनसे भी दूर है, तो कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ चीज़ें नहीं होती, क्योंकि ज़रूरी नहीं सबसे सब कुछ होगा. तो उस टाइम पर बहुत ही ऑब्वियस है कि थोड़ा बहुत लो फील होता है कि क्यों नहीं हो रहा है इतना कोशिश करने के बावजूद. पर जैसे जैसे खुद को संभालना था, क्योंकि आगे भी दिन आने थे, और आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल होगा, यही सोच के मैं आगे बढ़ती रही. अब आप क्योंकि मिस इंडिया विनर हो चुकी हैं, तो अब आपसे कंटिन्यू आपसे ढेर सारे सवाल पूछे जाएंगे. एंड जब आप कॉन्टेस्ट में थी, तब आपको किस तरह के सवाल पूछे गए, एंड वहाँ पर किस तरह के उन सवालों को कैसे आपने फेस किया, अगर आपको एक दो सवाल अगर बता सकें? तो कॉन्टेस्ट के टाइम पे तो हम हमारे शूट्स, ट्रेनिंग, इन सब में ही बिजी थे. सवाल से आपका मतलब हमारा इंटरव्यू कोई, या अच्छा फिनाले के दिन? ओके, तो फिनाले के दिन तो सबसे अलग अलग तरीके, मेरा भी एक सवाल था जिसमें मुझसे पूछा था कि जब 25 साल हो गए थे ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन इनको जीते हुए, तो मुझसे पूछा गया था कि आप किसकी बायोपिक में काम करेंगे और क्यों. तो तब मैंने कहा था कि मैं ऐश्वर्या राय उनके बायोपिक में काम करूँगी, क्योंकि उनकी जर्नी मुझे पता है, जिस तरीके से उन्होंने फेलियर्स देखे और फिर भी उनसे बिना डरे हुए जैसे वो आगे जाती रही, जिस तरीके से वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ मेंटेन करती, एक प्रॉपर ब्लेंड है कि मॉडर्निटी और अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ किस तरीके से साथ में लेकर चलना है, तो वो मैंने उनसे सीखा है. तो अगर मुझे मौका मिलता है इन दोनों में से किसी एक के बायोपिक में काम करने का, तो मैं उनके बायोपिक में काम करूँगी. एंड क्योंकि लास्ट मिस वर्ल्ड जो थी वो मानुषी छिल्लर जी हैं, तो उस दिन फिनाले के दिन वो वहाँ पे प्रेजेंट थी, तो फिनाले से पहले आपने उनके उनसे कुछ मुलाकात की, उन्होंने आपसे आपको कुछ टिप्स दिया, क्योंकि वो मिस वर्ल्ड थी? हाँ, तो हम 30 कंटेस्टेंट्स, हमें उनसे मिलने का मौका मिला था बीच में लकीली. तो हम उनसे जब मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो, और उसमें जितनी इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो करो. अगर अपने आप को बदलोगे तो नहीं होगा उतना, बट लेकिन तुम अगर खुद से जैसे हो वैसे ही रहोगे, और अपना जो ट्रू योर सेल्फ है, जो सब लोगों के सामने लेके आओगे, जो तुम हो असलियत में, तो तुम आराम से जीत पाओगे. तो वो एक थी जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी वो बात. और मिस वर्ल्ड जो रेनिंग करंट मिस वर्ल्ड है वैनेसा, वो वहाँ पे थे साथ में, 2017 की मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर, दोनों ही वहाँ पे थे. तो काफ़ी ही अच्छा मोमेंट था, क्योंकि दोनों मिस वर्ल्ड्स के साथ मुझे, उनके सामने मुझे क्राउन किया गया, तो मेरे लिए वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट था. क्योंकि अब आप मिस
इंडिया जीत चुकी है, तो आपके फैमिली में वैसा क्या रिएक्शन था जब आपने उन्हें बताया कि? फैमिली मुझे याद है, मुझे जब क्राउन किया था, जब मेरा नाम अनाउंस किया था, तब वो ऑडियंस में बैठे हुए थे साइड में और काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। मेरे मम्मी पापा दोनों उछल उछल के नाचने लग गए थे, तो वो मुझे दिख रहा था कि हाँ वहाँ पे मेरी फैमिली है। पूरी भीड़ में पता चल रहा था कि उनकी बेटी जीती है, इतना खुश थे वो लोग वहाँ पे। तो काफ़ी खुश है अभी फ़िलहाल, वो मेरा वेट कर रहे कि कब मैं घर पे आऊँ और उनसे मिलूँ, क्योंकि अभी तक हम उनसे मिले नहीं हैं। तो बस मैं भी एक्साइटेड हूँ कि कब जाके मैं उनसे फटाफट से मिलूँ और एक अच्छा सा फैमिली टाइम स्पेंड करूँ। यू नो सुमन जी, क्योंकि आप विनर हैं एंड ऐसे लेट सडनली आप लोगों के सामने आई हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। जैसे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये हम बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता कहीं ना कहीं विनर के बाद जो है लोग अब एक्टिंग की तरफ अपनाते हैं, तो इसके बाद क्या करने वाले हैं सुमन जी? क्या एक्टिंग में इंटरेस्ट है या क्या कुछ करने वाले हैं? फिलहाल तो मेरी पढ़ाई चालू है, मैं सिर्फ 20 साल की हूँ, तो मुझे लगता है पहले मुझे मेरी पढ़ाई कंप्लीट कर लेनी चाहिए, उसके बाद में तो जैसे ऑप्शंस आते हैं वैसे। और बॉलीवुड में तो मोस्ट ऑफ़ दी लड़कियों का इंटरेस्ट होता ही है, बट देन वो डिपेंड करता है कि वो कौन से सिचुएशन पे आ रहा है और उस टाइम पे हम उस चीज़ के लिए रेडी है या नहीं, तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है। फिलहाल तो मिस वर्ल्ड और पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो कौन से स्टैंडर्ड में आप अभी? मैं अभी सीए की पढ़ाई कर रही हूँ, सीए फाइनल स्टूडेंट हूँ मैं। हाँ ओके, तो जाते जाते हैं, टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है, सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि आप बताइए कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड हैं, जिसकी फिल्में आप बहुत देखती हैं, मेल फीमेल बोथ? हाँ, तो फीमेल में मैं दीपिका पादुकोण की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मेल में चाइल्डहुड क्रश है शाहिद कपूर, तो उनकी मैं फ़ैन हूँ, तो ये दोनों मेरे फेवरेट है बॉलीवुड में। ओके, हाँ, फेवरेट पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन फॉर श्योर नरेंद्र मोदी। तो वो हाँ, क्योंकि मैंने जैसे अभी मैं पिछले जो 5 साल उन्होंने जब देश को चलाया, तो उस टाइम पे मैंने जो इम्प्रूवमेंट्स देखी, जैसे मेरे पापा ने मुझे बताया, क्योंकि उसके पहले तो मैंने इतना ध्यान दिया नहीं है, तब तो हम छोटे थे, स्कूल में थे, तो इतना मेरा ध्यान जाता नहीं था, बट जब इनके डेवलपमेंट्स, तो पापा जब बताते थे कि पहले क्या था और अब क्या चेंज आया है, तो जब मैं वो चेंज देखती हूँ हमारी कंट्री का, तो मुझे लगता है कि हाँ उनमें वो बात है, जो वो फायर है जो कंट्री को सुधारना चाहते हैं, वो किस तरीके से हमारी जो कंट्री है उसको डेवलप करना है उन्हें, तो वो एक ऐसे इंसान है जो सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैं जो है उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ, जिस जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर वो हमेशा खड़े होते रहते हैं। तो मेरा okay, सुमन जी, हाँ। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में देखते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम है, कोई अगर एक प्रॉब्लम हो तो बातें करें, प्रॉब्लम बहुत सारी। अगर सुमन जी को मौका अगर मिले इंडिया के लिए कुछ करने का, तो वो ऐसा क्या कुछ होगा जो सुमन जी इंडिया में बदलाव करना चाहेंगे? इंडिया, मेरा जो ब्यूटी विद अ पर्पस प्रोजेक्ट है वो है स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वालिटी। तो क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, तो वहाँ पे अभी भी ऐसा नहीं है कि सबको इक्वल स्टेटस मिलता है, तो मेरा प्रोजेक्ट वही है कि स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वालिटी, जो अभी फ़िलहाल वुमेन एम्पावरमेंट के स्टेज पर है, जहाँ पे हम लोग फ़िलहाल वुमेन को एक इक्वल स्टेटस पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने वो प्रोजेक्ट अपने गांव से ही शुरुआत की उसके बारे में बात करना, क्योंकि मेरे घर में मैंने कभी कोई इनइक्वालिटी नहीं देखी, मेरे भाई और मुझे एक जैसा ट्रीटमेंट मिला है मेरे पेरेंट्स की तरफ से। तो वही हम लोग आगे जाके लोगों से बात करके उन्हें बताना चाहते हैं, क्योंकि जब तक मेंटालिटी चेंज नहीं होगी तब तक कुछ बदलने नहीं वाला। तो एक नज़रिया बनाना है कि सब इंसान है, किसी को लड़का या लड़की की तरफ से मत देखो, सब इंसान है वो देखो। आखिरी सवाल ये कि फेवरेट क्रिकेटर, अगर आप क्रिकेट देखती हो तो? नहीं मैं क्रिकेट फैन नहीं हूँ, नहीं मैं यहाँ पे बिजी, मैं अपने इसमें अभी हमारी विनिंग हुई उसके बाद में हम सारे इंटरेक्शन में बिजी, और क्रिकेट फैन नहीं हूँ, कभी इधर उधर थोड़ा सा, भाई मेरे क्रिकेट बहुत देखते हैं तो उनके साथ थोड़ा वो देख लेती हूँ, पर नहीं क्रिकेट फैन। प्लेयर के नाम तो पता है बट क्रिकेट फैन नहीं हूँ, क्रिकेट में तो बहुत ही बुरी हूँ, उसके बारे में तो कुछ नहीं। ओके, चलिए जाते आते, क्योंकि अब आप मिस वर्ल्ड के लिए जाने वाले हैं, तो क्या आप कुछ अब कैसे प्रिपेयर आप अपने आप को करने वाली हैं एंड कैसे देखती हैं, क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म है इससे बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, और कुछ एक चुनौती आने वाली है, तो आप बताइए कि उसके लिए कितनी रेडी है सुमन जी? हाँ, तो फिलहाल अब मिस वर्ल्ड में अब इंडिया को रिप्रेजेंट करना तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरा पहला फोकस यही रहेगा कि मैं इंडिया को एकदम अच्छे से जान लूँ, जो करंट अफेयर्स है या फिर जो भी अभी हमारे देश में चल रहा है, जिन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया को अगर रिप्रेजेंट करना तो इंडिया को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मेरा उसी चीज़ पे फोकस होगा, और रही हमारी ट्रेनिंग की बात, तो वो 3-4 दिनों में शुरू होने वाली है,
तो जैसे ही वो शुरू होगी मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी कि मैं क्या ट्रेनिंग कर रही हूँ और किस चीज़ पे कर रही हूँ. थैंक यू सो मच एंड गुड लक. थैंक यू. थैंक यू. ओके श्रेया एंड शिवानी जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक तो ये थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि कैसी रही आप लोग की ये जर्नी, जो यहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं, ये क्राउन आपका है, तो बताइए कि कैसी रही ये जर्नी. एनीवन जर्नी वेल क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी रही है. जैसा हम सोचते सपना देखते हैं, बिल्कुल वैसी ही जर्नी रही है. क्योंकि हर दिन तो हमारे पैजेंट के टाइम हर दिन बहुत सारी चीज़ें होती थी. एवरी डे वी यूज टू हैव सो मेनी एक्टिविटीज़, कुछ नया सीखते थे. एंड इतनी सारी लड़कियां थी जिनसे हमने क्या कुछ नहीं सीखा है. तो इस पूरी जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा और एंड में जाकर के जब हमें क्राउन मिलता है तो एक्चुअली लगता है कि वी डिड सो मच, सो इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी. तो जब आपका नाम अनाउंसमेंट किया, आपका भी जब आप लोगों का नाम अनाउंसमेंट किया, तो शॉक था आप लोगों के लिए? शॉक शॉक तो नहीं था, बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट वेन आई वॉज इन टॉप सिक्स. तो मेरा क्वेश्चन आंसर राउंड भी बहुत बढ़िया हुआ था. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉज वेरी हैप्पी वेन आई वॉज इन टॉप सिक्स, क्योंकि इवन टू गेट इन टॉप सिक्स इट टेक्स अ लॉट टू इवन बी देयर. सो आई जस्ट हैप्पी कि आई हैव मेड इट सो फार, यू नो. सो आई वॉज मैं बहुत खुश थी. मैंने आपका क्यू एन ए भी बहुत बढ़िया गया, तो उसके बाद तो आई वॉज हैप्पी कि यार कब रिजल्ट अनाउंस हो जाता कि मैं जाके क्राउन ले लूँ. तो याद है ग्रैंड फिनाले से जस्ट पहले मैं ऐसे बोल रही थी यार पता नहीं टॉप 12 में भी होगा कि नहीं. मैंने इसको बोला लिसन डोंट वरी, हम लोग टॉप 12 में है ही, लेकिन टॉप 12 में बढ़िया करना पड़ेगा ताकि आगे जा सके. फिर दोनों भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया और हमेशा हम एक दूसरे के बाजू में ही रहे. और यहाँ पे भी हम एक दूसरे के बाजू में. तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए आप लोगों से, लाइक जैसे या बताइए. सो टॉप 12 में एवरी सिंगल कंटेस्टेंट वॉज आस्क्ड अ डिफरेंट क्वेश्चन. वी हैड टू पिक अ चिट फ्रॉम अ बोल एंड फिर जो भी जजेस का नाम आए तो वो जज हमें कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला था. सो आई हैड हुमा कुरैशी टू आस्क मी अ क्वेश्चन. सो माई क्वेश्चन वॉज दैट वॉट अकॉर्डिंग टू यू इज द बिगेस्ट चैलेंज विच वुमेन गेट टू फेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. सो इट थोड़ा सा मैं लाइक आई टुक अ मोमेंट टू थिंक ओवर इट एंड तो मैंने आंसर कहा, मैंने जनरलाइज आंसर नहीं कहा, मैंने जस्ट कहा कि lack of acceptance is something according to me which women get to face in whichever field they choose to go ahead in. So that is something that we really need to work upon as a society. We need to work upon being accepting and empowering towards each and every human being around us. So I got a lot of applause for that. So I was very confident chalo top 6 mein ho jayega. And aapka question? Haan, mujhse question Sunil Chhetri ji ne pucha tha. एंड क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था, हाँ फुटबॉल, तो उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि वो तीन चीज़ें क्या होती है एक इंसान में ताकि वो अपने किसी भी करियर में अच्छा कर सके, जो सक्सेसफुल हो सके. थ्री क्वालिटीज एवरी पर्सन शुड हैव. सो मैंने आंसर ये दिया था कि पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो है पैशन, जुनून, जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं आगे. आपके अंदर जुनून नहीं होगा तो फिर आप चाहे किसी भी फील्ड में जाए आप आगे नहीं बढ़ सकते. वो अंदर से ड्राइव होना चाहिए. दूसरा मैंने कहा खुशी, विच इज़ हैप्पीनेस. सो अगर आप खुश नहीं हैं, जो काम आप कर रहे हैं आप उससे खुश नहीं हैं, तो चाहे आप उस काम को कितना भी अच्छा करें आपसे वो काम उतने अच्छे तरीके से होगा नहीं. और तीसरा था हार्डवर्क, क्योंकि किसी भी चीज में अच्छा करने के लिए आपको मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. बहुत ही अच्छा था. चलिए लाइक मतलब ये कितने दिनों की प्रैक्टिस थी आप लोगों की? आवर पेजेंट वाज फॉर 40 डेज और 40 दिन हम लोग बॉम्बे में रहे हैं एंड वी गॉट टू लिव विद सो मेनी डिफरेंट कंटेस्टेंट्स और हमारा सब ट्रेनिंग वहां पे हुआ 40 दिनों में हुआ. एक सवाल जो हमने सुमन जी से नहीं पूछा, आप लोगों से पूछे कि फेवरेट फूड क्या है आप लोग का? तो बहुत ही खाती है, लाइक जब भी मौका मिले आपका आई नो हम देखें. सो आई हैव गॉट अ स्वीट टूथ, आई कैन नॉट लिव विदाउट स्वीट्स. So after every meal, I love to eat something that is sweet, so that I feel complete that okay, I've had a meal. So sweets, my favorite pastries, chocolates, I love it. Favorite, though, definitely would be chocolates and cheesecakes. Okay. Yeah.
एंड ये विनर के बाद जब आप लोगों आपके फैमिली मेंबर आई डोंट नो वहां पे थे या नहीं थे, मुझे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या उनका क्या रिएक्शन था जब आप लोग का नाम अनाउंसमेंट किया? मेरे माता पिता, मेरी बहन और मेरे बहुत सारे दोस्त भी वहीं पे ही थे, मेरी मासी भी थी, हाँ तो सब आए थे. एंड सीधे जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ मेरे नाम का, मैं पहली सबसे पहले उन्हें ही देखा एंड वो सब बिल्कुल खड़े हो गए अच्छे से, बिल्कुल खुश पिक्चर्स ले रहे हैं, दूर से वेव कर रहे हैं. तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके पेरेंट्स ऐसे ऑडियंस में होते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग होती है. किसी को अच्छा लगता है, आप बताइए. So just 2 days before our finale, I got to know that my parents won't be able to come because there was some emergency. But I was in okay with it. मुझे बहुत बुरा वैसे लग रहा था कि यार होने चाहिए. तो मैं finale के time, while I was walking on stage, मुझे तभी भी नहीं पता था they were sitting in the audience. तो मैं से चल के मैं every time I used to see around कि यार दिख रहे हैं कि नहीं. तो फिर बाद में when I got crowned that time, I saw them sitting right there in front of me. The team, my brother, my mom, dad, they had come. Very happy, like we all were teary. Okay, क्योंकि आप बिहार से आती हैं और आप छत्तीसगढ़ से, तो कुछ अपनी लैंग्वेज में कुछ आप लोग बोल सकते हैं, like कुछ भी? मुझे स्वीट पसंद है, अगर आप घर में आप जैसे बातें करते हैं. She's Maharashtrian. हाँ, मैं. Oh, मैं मराठी बोल सकते हैं. You? मुझे भोजपुरी आती नहीं है. बट मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे पिता आर्मी बैकग्राउंड से, तो मैं सिर्फ पटना में नहीं रही, मैं ऑल ओवर इंडिया रही हूँ. तो मैं तो हर जगह घूमती रही हूँ, तो इसीलिए से प्रॉपर आती नहीं. पूरे हिंदुस्तान के दर्शन? हाँ, पूरे हिंदुस्तान के दर्शन. लोकेशन क्या है आपकी, अगर आप कहीं जहाँ इंडिया में बार बार जाना पसंद करती है? जाना जहाँ पसंद करूँगी, मैं कहूँगी देहरादून. हाँ, देहरादून में मैंने 2 साल पढ़ाई की है, तो मेरी फेवरेट जगह रही है, क्योंकि बहुत सुंदर है. चलिए, टाइम की प्रॉब्लम है, बस जाते आते ये जानना चाहेंगे कि आप जो है यूनाइटेड के लिए जाने वाले हैं, आप भी जाने वाले हैं, तो कितनी कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी है, कैसे कुछ करने वाले हैं आप लोग? अगला प्लेटफॉर्म है, वो थोड़ा सा और टफ है आप लोग. जी हाँ, ज्यादा. तो हमारी ट्रेनिंग अभी शुरू होगी कुछ दिन में, तो अच्छे से ट्रेनिंग होगी मुझे लगता है. तो प्रॉपर हमारी हर चीज़ में ट्रेनिंग होगी, बोलने में, चलने में, फिर बात करने में, फिटनेस, डाइट एंड और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं. तो ट्रेनिंग हर एक चीज़ में होगी, बिकॉज हमें बिल्कुल परफेक्टली जाना होता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करने है, तो बहुत बड़ी बात है. हाँ, तो अभी तो काफ़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. मैं कहूँगी ऑल 3 of us, वी नीड टू गिव आवर 200% एवरी सिंगल डे. So I just hope that we get 3 international crowns this year. Yes. I wish. From each one of us. ये जल्दी होगा. बस जाते आते आप लोग अपने अपने फेवरेट एक्टर, मेल फीमेल बोथ बता दीजिए. So my favorite actor is Ranveer Singh and Vicky Kaushal, and favorite actress Priyanka Chopra. Okay, Vicky Kaushal, I think. Yeah, yes, definitely. हाँ हाँ, क्यों नहीं? मैंने हमारा एक सेगमेंट था जहाँ पे we had to interact with him. So he gave us chocolate also, जो टॉप 6 थे. तो विकी कौशल के साथ हमने डांस भी किया, थोड़ा सा भांगड़ा किया, तो वाओ, मेरा तो दिल भर गया था. मेरे फेवरेट एक्टर ऋतिक रोशन है, हमेशा बचपन से, हमेशा वो, मैं उन्हें लकी चार्म मानती हूँ. किसी एग्जाम से पहले भी मैं हमेशा उनकी मूवी देख के जाती थी सुबह सुबह. हाँ, मेरी मम्मा से पूछा कि क्लास 2nd, 3rd में भी, 4th, 5th में भी मैं ऐसे सुबह सुबह 3, 4 o'clock उठ जाऊँगी, उनकी मूवी देखूँगी कहो ना प्यारे, और फिर मैं एग्जाम देने जाती थी. कहो ना प्यारे, उस टाइम बहुत लकी था. हाँ, उस टाइम फिर ZNMD, बहुत सारी मूवीज. तो ऋतिक रोशन यूनिक बताया. ऋतिक रोशन आदमी लकी चाम ऐसे वॉलपेपर जब कभी अच्छा चलो लेट मी जस्ट थिंक ऑफ हिज नेम एंड देन आई गो. चलिए, थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. पीछे आना भाई, फोटो नासा मत उंगली दिखा दो, ट्रेन रुक जाती है. तीनों का साथ में करा मन हो गया दादा. हो गया, चलो बस करो. तीनों का साथ में करो. बंद चलो, चलो चलो बंद सोलो करो ग्रुप का. चलो बच्चा, चलो चलो मैम लोग.
आप ऐसे भी पीछे से भी कर सकते हैं, तीनों से टेबल पे कर दो यार। अरे टेबल पे टेबल पे जरूर ये क्यों है सुमित बनाने डोंट डू फेक लव अरुण फेक लव पोज हां ये कैंडी फेक फेक लव पोज दिस इज दिस टेल समबडी टू डू टू टू टुगेदर वी आर ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ इट कम्स रियली हां बोलता है चल ठीक है चल चलो।